हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, KDDL लिमिटेड, इसका जो राइट इशू चल रहा है उसकी जो लास्ट डेट 23rd of April थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और अब इसकी जो लास्ट डेट हो गई है वो 3 मई कर दी गई है। जी हाँ, 10 दिनों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दो डेट आप याद रखिए कि अब जो है इस इशू के लिए आप 3 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो ऑन मार्केट रेनिशिएशन की डेट है वो 29 अप्रैल तक है, यानी कि इसकी जो राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग है वो 29 अप्रैल तक कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत से सवाल है जो लोगों के मन में आ रहे हैं, तो मैं कुछ सवालों के यहाँ आपको जवाब देने जा रहा हूँ। और अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट या राइट इशू के बारे में और जानकारी लेनी है तो मैंने जो है वीडियोस बनाए हुए हैं मेरे राइट इशू के, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल में, तो आप उन्हें देखिए और आपको बहुत जानकारी मिलेगी जो कि आपको फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ साथ अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जो डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है इसमें और आपको जो है T+2 डेज का समय लगता है। तो जैसे ही अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेस किए हैं और आप चाहते हैं कि अगले दिन उसे बेच देंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको जो है T+2 यानी कि टोटल 3 दिन का वेट करना पड़ेगा और जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी राइट एंटाइटलमेंट के उसके बाद ही आप दोबारा जो है उसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है लोगों का कि अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट बाय किया है तो उस पर वो जो पैसा खर्च करी है, सपोज 100 रुपये में आपने राइट एंटाइटलमेंट बाय किया है तो क्या वो 100 रुपये उस राइट इशू प्राइस में से माइनस होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो पैसा भी आप राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने के लिए लगाते हैं वो एज अ प्रीमियम होता है और उसका राइट इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि आपको उससे सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट मिलता है ताकि आप जो है राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकें। पर जब आप राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे राइट एंटाइटलमेंट लेने के बाद, तो आपको जो भी राइट इशू का प्राइस फिक्स रखा गया है, किसी भी राइट इशू का जो भी प्राइस फिक्स रखा गया है वो प्राइस आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि क्या ये नॉर्मल शेयर्स हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इन्हें आप एज ए नॉर्मल शेयर ट्रीट मत कीजिए राइट एंटाइटलमेंट को। ये इशू क्लोजिंग डेट के बाद लैप्स हो जाते हैं और अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, यानी कि या तो इन्हें सेल कर दें, जैसे कि 29 तारीख तक है अगर आपके पास राइट एंटाइटलमेंट है और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ऑन मार्केट रेन्यूनसेशन का, जितना जो भी टाइम होता है उस दौरान आप उसे बेच सकते हैं। मगर अगर आप नहीं, ना तो बेचते हैं और ना ही कोई एक्शन लेते हैं, तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है ये लैप्स हो जाते हैं और जो भी प्रीमियम अगर आपने आपको अलॉट हुए हैं तो ठीक है, बट अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से बाय की है राइट एंटाइटलमेंट तो जो भी बाय करने में आपने प्रीमियम लगाया है वो भी लैप्स हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा सवाल लोगों का कि क्या उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स तो नहीं है बट राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, तो क्या वो राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। राइट एंटाइटलमेंट आपने बाय कर लिए हैं, इसका मतलब आप उस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एंटाइटल्ड हैं राइट शेयर्स के लिए। तो अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट बाय किए हुए हैं, भले ही आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है, तो भी आप जो है राइट इशू के राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली करिए। अगर आप सेल नहीं कर पाए हैं राइट एंटाइटलमेंट तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं राइट शेयर्स के लिए, तो आपको उतने राइट शेयर्स मिलेंगे। तो बिल्कुल इस धोखे में ना रहे और ये चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि ये नॉर्मल शेयर्स नहीं है। आपको अगर आपने इन पे एक्शन नहीं लिया, अगर ना ही सेल किया है और ना ही राइट इशू के लिए अप्लाई किए हैं राइट शेयर्स के लिए, तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं और आपका प्रीमियम भी लैप्स हो जाता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो भी राइट एंटाइटलमेंट का वीडियो बनाता हूं आप हर वीडियो में देख सकते हैं, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। और यहां पर जो है कंपनी ने एक्सटेंड की है ताकि ज्यादा से ज्यादा राइट जो एंटाइटलमेंट या एक्सरसाइज कर सकें जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो बिल्कुल आप अपने राइट्स अगर राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और राइट्स या सेल करना चाहते हैं तो 29 तारीख तक सेल कर सकते हैं या फिर 3 तारीख तक आपके पास ऑप्शन है, आप जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जो है एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।